हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन की है। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे हम, लिस्ट में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है पॉप, पीओपी पॉप, इसका यूज करेंगे, देखेंगे कि इससे क्या हमें फायदा हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम लिस्ट बनाने वाले हैं बुक्स की। तो यहां पर बुक्स बना देता हूं मैं, और यहां पर क्या करूंगा मैं, इसमें स्टोर कराऊंगा। अब ये एरे बना रहा हूं और एक-एक करके स्टोर कराते हुए चलेंगे। सिंगल इनवर्टेड कॉमा में मैं स्टोर कराता हूं। पहले पाइथन की बुक की बात करते हैं, क्योंकि हम पाइथन ही तो पढ़ रहे हैं। पहले पाइथन की बुक की बात कर लेते हैं, कॉमा देता हूं, फिर बात करते हैं हम जावा के बुक की। ठीक है, जावा का बुक हो गया ये, और फिर क्लोज किया, फिर कॉमा देते हैं, और फिर बात कर लेते हैं यहां पर एक और कॉटलिन के बुक की। तो यहां पे KOTLIN लिखा मैंने। ठीक है, अब आप ये बता ही सकते हैं, क्योंकि पिछले क्लासेस में हम ये बात पढ़ चुके हैं, ये बात जान चुके हैं कि कैसे-कैसे ये स्टोर होता है, एरे की स्टोर करने की जो करने का जो तरीका है वो कैसे होता है। देखिए, पहले ए, जैसे मान लीजिए ये बुक्स है, तो ये 0, फिर ये 1, फिर 2, ऐसे करके एरे में चीजें स्टोर होती हैं। ठीक है, ये बात हम सी लैंग्वेज में भी सीख चुके हैं और पाइथन में भी सीख चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करता हूं मैं, अब चूंकि ये है तो बुक्स, ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं BOOKS, ये बनाया भी हमने बुक्स, बुक्स नाम दिया हुआ है, और यहां पे डॉट पॉप, पॉप ही यूज करना है हमको। और इसमें मैं क्या करता हूं, 2 यहां पे लिखता हूं, 2, ध्यान दीजिएगा यहां पे लिखा है मैंने 2, और 2 लिखने के बाद अब इसको प्रिंट करवाता हूं। तो देखिए यहां पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यानी 2 पे कॉटलिन है। तो पॉप लिखने से क्या होगा, ये 2 को हटा देगा, जब प्रिंट करेगा तो 2 को हटा के प्रिंट करेगा, कुछ इस तरीके से। देखिए ये लिखा मैंने प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहां पे दे देना है बुक्स, क्योंकि बुक्स ही तो बनाया हमने। ओके, यस, बुक्स दे दिया, बंद किया ब्रैकेट को। अब इसको सेव करना है, तो यहां से सेव कर लेता हूं। ये कुछ इस तरीके से ये विंडो आएगी, और यहां पे इसको नाम दे देता हूं, लाइक लिस्ट हमने बनाया है, तो ये .py लगा करके list.py के नाम से इसको सेव कर दिया। यहां से इसको F5 प्रेस करके रन करवाते हैं। तो जैसे ही रन करवाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहां पर सिर्फ पाइथन और जावा ही प्रिंट होकर आ रहा है। देखिए ना, ये पाइथन है और जावा है, कॉटलिन गायब है, क्योंकि कॉटलिन 2 नंबर पे था, दूसरे नंबर पे था ना, क्योंकि एरे का स्टोर जब होता है, एरे में जब चीजें स्टोर होती है तो 0 से स्टार्टिंग होती है। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, आगे अगर कुछ और भी आप मेंशन करते हैं, लाइक देखिए यहां पर मैं मेंशन करता हूं, लाइक सपोज कीजिए मैंने पावर बीआई लिखा, यहां लिखा पावर बीआई, बीआई इस तरीके से ये लिख दिया, और यहां पे क्लोज किया। ठीक है, तो अब ये 4 हो गए कुल। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये कुल मिलाकर कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब क्या होगा, यहां पे इसको अगर यहां पे रन करवाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पर ये 3 चीजें प्रिंट होकर आएंगी, पावर बीआई भी प्रिंट होगा, जावा भी प्रिंट होगा, पाइथन भी प्रिंट होगा। जैसे ही मैं यहां पे चेंज करता हूं पॉप में, देखिएगा यहां पे पॉप में मैं 1 कर देता हूं अगर, तो इस बार जो है जावा हट जाएगा। देखिए इसको रन करवा रहा हूं, जावा गायब रहेगा, बाकी सारी चीजें प्रिंट होकर आएंगी, देखिए कुछ इस तरीके से। तो यहां पे देखिए पाइथन प्रिंट हो रहा है, पावर बीआई प्रिंट हो रहा है, कॉटलिन प्रिंट हो रहा है, लेकिन जावा नहीं प्रिंट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये होगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे 0 कर देता हूं, देखिए 0 किया है इस बार मैंने, और यहां पे मैं रन करवाता हूं इसको, तो ये रन करवाते वक्त पाइथन गायब। तो देखिए यहां पे जावा, कॉटलिन और पावर बीआई ही प्रिंट हो रहा है। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे काम करता है। और वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।